गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम्स कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टी वेयर बनारसी साड़ी हॉल वीडियो। सिल्क टाइप की साड़ियां हैं ये सारी, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ साड़ी ही सिल्क ब्लेंड फैब्रिक में, प्योर सिल्क इनमें से कोई भी साड़ी नहीं है। तो आज मैं आपको उस तरह की सिल्क की साड़ी दिखाने वाली हूँ जो हमारे बजट में फिट हो जाती है। तो वो ऑब्वियसली प्योर सिल्क की तो नहीं होने वाली है, तो वो सिल्क ब्लेंड में है और अलग अलग तरह के फैब्रिक्स में, कोई जगाड़ की है, कोई बनारसी में है। तो इस तरह से सारी साड़ियां हैं और बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे ब्राइट शेड्स में साड़ियां हैं। तो एकदम प्रॉपर पार्टी वेयर साड़ियां हैं एंड ये सारी साड़ियां 699 तक स्टार्ट हो जाती है और 999 तक ये जाएंगी। सो अगर आपको इनमें से कोई भी साड़ी पसंद आती है तो इन सबका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेपरेट लिंक भी मिलेंगे और एक सिंगल लिंक मिलेगा माई होल स्टोर के नाम से। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आज दिखाई जाने वाली सारी साड़ियों की वहां पर पिक देखने को मिल जाएगी। तो जो भी साड़ी आपको पसंद आती है उस पर क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट आपको अमेजोन की साइट पे ले जाएगी और उसके बाद आप उसे परचेस कर सकते हैं। सो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर तो जरूर कर ही दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे देखिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा एंड आप इस तरह से कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो की जो पहली साड़ी है वो बहुत ही प्यारी से लाइट पिंक कलर की साड़ी है और ये एक बनारसी सिल्क फैब्रिक की साड़ी ही देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है। मुझे ये साड़ी काफी ज्यादा पसंद आई, पहनने के बाद ये काफी ज्यादा रिच लुक देती है, एलिगेंट लगती है। तो अगर आपको कुछ इस तरह की साड़ियां पसंद है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और इसमें आई थिंक आपको एक से दो और शेड्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको उनमें से कोई शेड पसंद आता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे ये वाला शेड काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं इन सभी साड़ियों का ट्रायल मैंने कर लिया है, तो अब मैं आपको अच्छे से इनकी लेंथ, विड्थ एंड इसके फैब्रिक के बारे में बता सकती हूँ। तो मैं आपको ये साड़ी ओपन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पूरी साड़ी एक ही जैसी है। तो इसमें ना आपको कुछ इस तरह का गोल्डन कलर में ये वीविंग वर्क मिल जाता है ऑल ओवर साड़ी में। ये देखिए ये छोटे छोटे फ्लावर्स या फिर इन्हें लीव्स भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी आपको ऑल ओवर साड़ी में मिल जाएगी एंड प्लेट साइड में भी और ऊपर की तरफ भी आपको कुछ इस तरह का गोल्डन बॉर्डर मिल जाता है। देखिए सेम विड्थ का, मैं आपको एक बार फिर भी नीचे से दिखा देती हूँ। ये देखिए तो ये कुछ इस तरह का बॉर्डर आपको इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका पल्लू। इसका पल्लू भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसमें आपको अच्छा खासा लंबा पल्लू मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह का इसका पल्लू है, मुझे बड़ा पसंद आया सच्ची में। ये देखिए, देख पा रहे हैं ना आप? हाँ, तो ये कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल ये पल्लू है। ये देखिए, तो इसकी अगर हम लेंथ एंड विड्थ की बात करें तो एकदम परफेक्ट लेंथ इसमें आपको मिलेगी, अच्छी खासी लंबी और चौड़ी ये साड़ी। तो अगर आपकी हाइट 5'6" या फिर 7 तक भी है ना तो भी ये साड़ी आपको आराम से आ जाएगी। इसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल भी छोटी नहीं रहेगी। मुझे इसका पल्लू, इसका कलर सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा लगा है। तो जिन्हें भी इस तरह की साड़ी पहनना थोड़ा मुश्किल लगता है, मुझे भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह की साड़ी को ड्रेप करने में, तो उन्हें मैं एक टिप देना चाहूंगी कि वैसे भी आप काफी सारी वीडियोस इन पे देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें ड्रेप किया जाता है, बट अगर आप इनकी प्लीट्स बना के पहले से टक कर देंगे और पल्लू भी, तो इसे आप इजिली वेयर कर पाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तब आपको। बाकी आप अपनी मम्मी या फिर किसी की भी हेल्प ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद को ड्रेप करना पड़ जाए अकेले से तो आप प्लीट्स को और पल्लू को पहले से ही टक करके फिर इसे पहनेगा तब ये आसानी से पहनी जाएगी। तो ये थी कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल साड़ी। तो अगर मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखाऊं तो ये है कुछ इस तरह का बिल्कुल प्लेन ब्लाउज। इसका ब्लाउज का फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, ना ही स्टिफ है। और इसके कॉर्नर में आपको शायद ये कॉर्नर्स के लिए दिया गया है, बाकी ये आपको मिल जाएगा, बाकी आप अपने टेलर से पूछ ही सकते हैं। तो ये था कुछ इस तरह का ब्लाउज एंड अगर आपका जो साइज 3XL तक भी है तो भी ये ब्लाउज आप इजिली स्टिच करवा सकते हैं। एंड दिस ब्यूटीफुल साड़ी इज फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड फ्रिया क्राफ्ट एंड अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो ये आपको ओनली 999 रुपीज में मिल जाती है। तो ये काफी ज्यादा रिच लुक की एंड एलिगेंट साड़ी है। तो अगर आप इस तरह की साड़ी पसंद करते हैं पहनना तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट साड़ी। अच्छा, तो जो नेक्स्ट साड़ी है ना वो बहुत ही प्यारी ब्राइट पर्पल शेड की साड़ी है और ये जकार्ड सिल्क फैब्रिक में है ये साड़ी, और ये भी ऑल ओवर साड़ी में इसी तरह का, एक्चुअली इसी तरह की होती है सिल्क की साड़ियां। तो ये कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल हैवी वर्क के साथ ये साड़ी देख सकते हैं। इस ऑल ओवर साड़ी में ना आपको कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, ये देखिए नीचे तक, और इसकी प्लेट्स में भी एंड ऊपर की तरफ भी आपको कुछ इस तरह का हैवी बॉर्डर मिल जाता है। इसका बॉर्डर स्पेशली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था
लाइक ये जो दोनों एम्ब्रॉयडरी है ना, एक दूसरे को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर लिए, तो ये कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल बॉर्डर आपको इसमें मिल जाता है। बाकी इस पे ये जो एम्ब्रॉयडरी की गई है ना, उसकी वजह से इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। लीजिए, मेरे कानों में ना इस तरह के इयररिंग्स बिल्कुल भी नहीं अटकते हैं। तो ये जो साड़ी है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसके एम्ब्रॉयडरी, इसके कलर एंड स्पेशली इसके लुक की वजह से, आप जो ट्रेंड में देख ही पाएंगे। एंड दिस साड़ी इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड ट्रेंडी स्टोर। अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो ये साड़ी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है इसके क्वालिटी को देखते हुए, इसके लुक को देखते हुए। ये आपको ओनली 999 रुपीज में मिल जाएगी। तो ये थी कुछ इस तरह की जकार्ड सिल्क फैब्रिक की साड़ी, और ये है कुछ इस तरह का हैवी ब्लाउज इसका। ये देखिए, इसका ब्लाउज स्टिच करवाने के बाद काफी ज्यादा सुंदर लगेगा अगर आप इसे अच्छे से डिजाइन में स्टिच करवाते हैं तो। एंड अगर आपका साइज ट्रिपल एक्सल तक भी है ना, तो ये जो ब्लाउज है आप इजिली स्टिच करवा पाएंगे। इतना सारा फैब्रिक आपको इसके ब्लाउज के लिए मिल जाता है। मुझे इसका ब्लाउज सीरियसली काफी ज्यादा पसंद आया है। एंड इसके ब्लाउज के दोनों कॉर्नर्स पर आपको कुछ इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है, इतना ब्रॉड, तो इन्हें आप इजिली स्लीव्स के कॉर्नर पर लगवा सकते हैं। और अगर मैं आपको इसका पल्लू दिखाऊं, तो कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल पल्लू आपको इसमें मिल जाएगा। मुझे इसका पल्लू भी काफी ज्यादा पसंद आया है। तो अगर आप इस साड़ी को या फिर इनमें से किसी भी साड़ी को जूड़े विद गजरे के साथ पहनेंगे, तो इनका जो लुक आने वाला है ना, पूरा लुक आपका काफी ज्यादा सुंदर आएगा। तो ये थी कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल साड़ी, आपको ये कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी है। एंड इस साड़ी में ना आपको और भी काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे, तो अगर आप उन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे ये कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। जो नेक्स्ट साड़ी है वो मेरे फेवरेट पिंक एंड ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले मैं आपको ये साड़ी दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल ब्राइट पिंक एंड ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में साड़ी है। तो इस तरह की छोटी बूटी वाली साड़ी इस तरह की सिल्क की साड़ियों में बहुत ज्यादा क्लासी लगती है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। सो ये है कुछ इस तरह का प्लेन ब्राइट पिंक कलर का, फूशिया पिंक कलर का ये ब्लाउज पीस। ये देखिए, इसमें काफी ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, और इसके कॉर्नर में ना आपको कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल सा बॉर्डर मिल जाते हैं। मुझे इसका बॉर्डर काफी ज्यादा पसंद आया, गोल्डन कलर में। ये देखिए, जिसे आप स्लीव्स के एंड में अटैच करवा सकते हैं। तो ये था इसका बॉर्डर। ये भी अगेन, अगर आपका साइज ट्रिपल एक्सल तक है तो आप इसे इजिली स्टिच करवा पाएंगे। तो ये साड़ी स्टार्ट हो जाती है यहां से। ये देखिए, तो ऊपर और नीचे प्लीट्स एरिया में आपको ये सेम बॉर्डर मिल जाता है, ये कुछ इस तरह का। मुझे साड़ी का भी बॉर्डर काफी ज्यादा पसंद आया है। बाकी ऑल ओवर साड़ी के सेंटर में ना आपको इस तरह की छोटी छोटी बूटियों वाला काम मिल जाएगा। ये देखिए, और इसके पल्लू से स्टार्ट हो जाता है, आई थिंक या पल्लू से या फिर साइड्स में जो प्लीट्स एंड होती है ना, वहां से ये स्टार्ट हो जाता है। ये ऑरेंज कलर का फैब्रिक, सेम फैब्रिक है, बस ऑरेंज कलर इसमें दिया गया है। इस कलर में बॉर्डर कुछ इस तरह का लगने वाला है, और ये है इसका ब्यूटीफुल सा पल्लू। ये देखें, तो ये साड़ी मैं आपको पीछे से भी दिखाना चाहूंगी, जो देखिए कहीं से कोई धागा नहीं निकला हुआ है। तो पीछे से भी साड़ी बिल्कुल भी बुरी नहीं लगने वाली। कई साड़ी में क्या होता है कि पीछे की तरफ से काफी सारे धागे निकले रहते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो साड़ियां। तो ये कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल ऑरेंज एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में साड़ी थी, हाफ एंड हाफ साड़ी है। हाफ पोर्शन में आपको ऑरेंज कलर मिल जाएगा और हाफ पोर्शन में पिंक कलर। तो इस साड़ी को पहन के ना ऑटोमेटिकली फेस्टिवल या फिर किसी पार्टी या फंक्शन की फील आने लग जाती है। तो ये साड़ी मुझे एकदम प्रॉपर पार्टी वेयर साड़ी लगी। तो इस साड़ी के साथ तो जूड़ा विद गजरा सीरियसली काफी ज्यादा सुंदर लगने वाला है। साथ में इतनी हैवी गोल्डन कलर की झुमकियां, तो वाह क्या लुक आने वाला है। मुझे स्पेशली इस तरह की साड़ी को देख के ऐश्वर्या राय एंड दीपिका पादुकोण की याद आने लग जाती है, और बिल्कुल वही लुक सामने आने लग जाता है। तो मुझे इस तरह की साड़ियां कभी कभार तो पहनना, वैसे हमेशा ही पहनना अच्छा लगता है, बट इस तरह की साड़ी को ड्रेप करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, तो बस ड्रेप करने में दिक्कत है। बाकी इस तरह की साड़ी पहनी हुई बहुत ज्यादा क्लासी लगती है। इस तरह की साड़ियों का ट्रेंड कभी नहीं जाता है, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपके पैसे कहीं नहीं गए, बहुत सुंदर लगती है पहनी हुई साड़ियां। एक्चुअली साड़ी ना मुझे लास्ट में दिखानी थी, लेकिन गलती से मैंने इसे पहले दिखा दिया, क्योंकि ये साड़ी क्वालिटी के अच्छे होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। ये आपको ओनली 699 रुपीज में मिल जाती है, कैन यू इमेजिन, सीरियसली इतनी सुंदर साड़ी, वो भी इतने कम प्राइस में। तो आई थिंक इतने में तो ये कुर्ती का फैब्रिक भी नहीं आएगा, तो ये तो एक पूरी साड़ी है। एंड अगर हम बात करें इसकी लेंथ एंड विड्थ की, तो अच्छी खासी लेंथ एंड विड्थ आपको इसमें मिल जाती है। अगर आपकी हाइट 5'7" तक भी है तो भी ये साड़ी आपको आराम से आ जाएगी। एंड दिस साड़ी इज फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड ग्लोरी साड़ी स्टोर, एंड मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, काफी ज्यादा सुंदर कलर में है। आपको
कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट पर डेफिनेटली नो द लेस साड़ी की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक मैंने ब्लाउज भी परचेज किया इस तरह का ब्लाउज, ये अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है क्योंकि ये मुझे ना नीचे की तरफ से अंडर बस्ट एयर से थोड़ा सा लूज आ रहा था, बाकी ऊपर की तरफ से एकदम प्रॉपर था। तो मैंने सोचा एक साइज छोटा मंगवा के देखती हूँ, क्या पता, क्योंकि इन ब्लाउज में आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है, तो अगर आपको ये टाइट आती है तो आप इन्हें लूज भी करवा सकते हैं। तो पहले मैंने जो साइज परचेज किया था वो था एक्सेल, लेकिन ये अजीबोगरीब फिटिंग मुझे आ रही थी, नीचे से काफी ज्यादा लूज था और ऊपर से एकदम प्रॉपर फिटिंग का था। तो मैंने सोचा एक बार छोटा साइज मंगवा के देख लेते हैं, तो अगर वो ठीक नहीं आया तो फिर से एक्सचेंज करवा लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अमेज़न की एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी काफी ज्यादा अच्छी है, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इजिली रिटर्न एंड एक्सचेंज करवा सकते हैं। एंड ये ब्लाउज है ब्रांड स्टूडियो श्रृंगार से, और इस ब्रांड के ब्लाउज मुझे काफी ज्यादा पसंद है, काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। एंड ये नॉन पैडेड ब्लाउज है, और इसमें जो स्पेशली नेक की जो शेप है ना वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। इसमें आपको मटका शेप का नेक लाइन मिल जाती है जो पहनी हुई काफी ज्यादा सुंदर लगती है। एंड इसमें आपको मिल जाएगी एल्बो लेंथ तक की स्लीव्स, स्लीव्स में और नेक के चारों तरफ आपको कुछ इस तरह की गोल्डन जरी के धागे की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है जो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं है। तो ये ब्लाउज मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। इसमें आपको दो और शेड्स मिल जाएंगे, नेवी ब्लू कलर है आई थिंक, और गोल्डन शेड, या जो भी शेड आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रेड कलर का जो ब्लाउज होता है वो काफी ज्यादा काम आता है। इसे आप गोल्डन, ऑफ व्हाइट, रेड, ब्लैक और भी काफी सारे कलर की साड़ी के साथ टीम अप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की नेकलाइन के ब्लाउज में ना लुक काफी ज्यादा अच्छा आता है। तो इसलिए मैं इसे लेना चाहती थी, लेकिन ये थोड़ा सा लूज आया मुझे, तो इसलिए मैंने इसे एक्सचेंज के लिए डाल दिया है, इसीलिए इस वक्त मेरे पास वो नहीं है। और ये जो ब्लाउज है, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये भी काफी अफोर्डेबल ही है। तो ये ब्लाउज आपको मिल जाता है 999 रुपीज में। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट साड़ी की तरफ। जो लास्ट साड़ी है वो है कुछ इस तरह के ब्लैक एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, ये भी हाफ एंड हाफ साड़ी है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह की बूटियों वाली साड़ी है, और ये साड़ी भी पहनने के बाद बहुत ज्यादा रिच लुक देती है, जो आप ट्रेंड में देख भी पाएंगे। मुझे सीरियसली ये साड़ी पहनने के बाद ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए, इस पूरी ही साड़ी में ना आपको इस तरह की बूटियां मिल जाएंगी, कुछ इतने साइज की, ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है और ना ही ज्यादा छोटी है। और इसमें ऊपर की तरफ भी और नीचे फिट्स एरिया में भी पूरी साड़ी में कुछ इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है, कुछ इतना ब्रॉड। ये देखिए, इसमें फ्लावर्स बनाए गए हैं, तो ये बॉर्डर भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसकी अगर हम ब्लाउज में आपको सबसे पहले दिखाती हूँ, तो इसमें आपको ये प्लेन सॉलिड ब्लैक कलर का ब्लाउज मिल जाता है, ये देखिए, और इसके कॉर्नर में आपको ये रेड कलर का बॉर्डर मिल जाता है जिसे आप स्लीव्स के एंड में लगवा सकते हैं। इसका भी कपड़ा काफी ज्यादा सॉफ्ट है, एंड इसे भी अगर आपका साइज ट्रिपल एक्सल तक भी है तो भी इसे आप स्टिच करवा सकते हैं। और ये देखिए, ये एक्चुअली साड़ी यहां से स्टार्ट हो जाती है, तो ये है साड़ी। इसका फैब्रिक ज्यादा हार्श नहीं है, लाइक ज्यादा स्टिफ नहीं है जिसे आपको पहनने में मुश्किल हो। तो ये थोड़े से यूनिक पैटर्न की साड़ी है। इस रेड एंड ब्लैक कलर को जो सेपरेट कर रहा है वो कुछ इस तरह का बॉर्डर है, ये देख सकते हैं, ये नीचे तक दिया गया है और यहां से स्टार्ट हो जाता है ये रेड कलर का फैब्रिक, और ये कुछ इस तरह का पैटर्न इसमें आपको मिल जाएगा। ये एम्ब्रॉयडरी की गई है और ये है इसका कुछ इस तरह का पल्लू। और ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी दी गई है कॉर्नर में। तो इसका पल्लू भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इस साड़ी से थोड़ा सा हटके इस पे एम्ब्रॉयडरी की गई है, और मैं आपको ये पीछे से भी दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है पीछे से, तो इसमें भी कहीं कोई धागा नहीं निकला हुआ है, तो ये पीछे से भी अच्छी लगने वाली है। तो ये थी कुछ इस तरह की बनारसी सिल्क फैब्रिक की साड़ी। तो पहनने के बाद इसका लुक काफी ज्यादा ग्रैंड आता है, जो आप ट्रेंड में देख भी पाएंगे। एंड अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो ये एक साड़ी आपको ओनली 999 रुपीज में मिल जाती है। सो मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई है, और दिस साड़ी इज फ्रॉम ब्रांड माही क्रिएशन। तो ये थी कुछ इस तरह की साड़ी। आपको ये साड़ी
तो ये थी आज की सारी साड़ियां। आपको ये साड़ियां कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है और काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। सो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट किस तरह के प्रोडक्ट पर रिव्यू चाहिए या फिर किस तरह की वीडियो देखना आप चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, आपको पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है या फिर पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड फॉर माय न्यू अपडेट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज pink.brownie। सो फिर मिलते हैं मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।